नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली आई स्टारगेट। इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज में आज ये हमारा 31 चैप्टर है। इसमें आज हम देखेंगे वन संसाधन रिपोर्ट 2017, जो कि फरवरी 2018 में रिलीज की गई थी। इस सबसे पहले तो आप अपने राज्य में, जिस जिस राज्य के आप हो उसमें आपको सबसे पहले अपने राज्य का पता होना चाहिए, कितने भौगोलिक क्षेत्र में वन फैले हुए हैं, VDF अति सघन वन कितना है, सामान्य सघन वन कितना है, खुले वन कितने हैं, कुल वन कितने हैं और भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पूरा भारत का पता होना चाहिए, इतना पता हो तो इनफ है। वो अति सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन क्या होते हैं वो हम आज ही डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश का हम ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र कितना है, 1,62,968, यहाँ पे देखिए ऊपर, वर्ग किलोमीटर, यानी ये किलोमीटर स्क्वायर में है। VDF देखें इसमें, यानी अति सघन वन देखें तो लगभग 1,957 वर्ग किलोमीटर है। सामान्य सघन वन देखें 14,051, खुले वन देखें 12,139, कुल वन देखें 28,147, भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखें 17.27%। जो ये प्रतिशत है, ये प्रतिशत इस राज्य के क्षेत्रफल में है। माना इस राज्य का क्षेत्रफल 100 है, ठीक है, तो 100 में 17.27% पर आंध्र प्रदेश के वन फैले हुए हैं, जो कि 33% का जो टारगेट है उससे कम है। 33% का टारगेट है कि किसी भी राज्य या किसी भी देश में 33% वन होने चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए एक राज्य में 33% है, तो उसी प्रकार सभी राज्यों में हो जाएंगे 33% तो पूरे देश में हो जाएंगे। अभी हमारे पूरे देश में कितने हैं वो हम आज सब डिस्कस करेंगे। यदि हम बदलाव की बात करें, 2015 में इसमें बढ़ोतरी हुई है 2141 वर्ग किलोमीटर की, यानी अच्छा कार्य किया है आंध्र प्रदेश ने। जिसका भी पॉजिटिव आएगा उसने अच्छा कार्य किया है, जिसका नेगेटिव में आएगा उसने वनों के मामले में अच्छा कार्य नहीं किया, यानी वहाँ पे नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। कुल भारत के क्षेत्रफल में यदि आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल देखें कि कितना यह कंट्रीब्यूशन करता है भारत के वन वाले क्षेत्रफल में, तो ये लगभग कंट्रीब्यूशन करता है 1.31, ठीक है। उसी प्रकार आप अपने अपने राज्यों में देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई गुजरात का है तो वो गुजरात में देख सकता है, कोई उत्तर प्रदेश का है वो उत्तर प्रदेश में देख सकता है, कोई मिजोरम का है वो मिजोरम में देख सकता है। यहाँ पे आधे राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, आधे राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो आज हमें डिस्कस करना है, वन संसाधन रिपोर्ट। वन संसाधन रिपोर्ट, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि किसके द्वारा जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत। कब बना था ये? बना था 1981 में। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले जो इसने रिपोर्ट प्रकाशित की थी वह की थी 1987 में, ठीक है। 1987 के बाद भारतीय वन संरक्षण प्रत्येक 2 वर्षों पर रिपोर्ट जारी करता है, वन संसाधन रिपोर्ट। इस बार की कौन सी रिपोर्ट थी? 15वीं रिपोर्ट थी, क्योंकि 1987 से 2017 तक कितने दिन हो गए? 30 साल हो गए। 30 साल में 15वीं रिपोर्ट थी। सिंपल है, द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है। इस बार किस डेट को प्रकाशित की? डेट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यदि याद रख सकते हो बस इतना याद रख लीजिए, फरवरी 2018 को प्रकाशित की गई। क्या हर साल फरवरी में प्रकाशित की जाती है? नहीं, कोई निश्चित डेट नहीं है। जैसे 14वीं रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 4 दिसंबर 2015 में, जबकि इस बार जो प्रकाशित की गई है वो की गई है फरवरी 2018 में। इसमें ज़्यादा टाइम इस बार इसलिए लगा है क्योंकि इस बार जो सैटेलाइट था, कौन सा सैटेलाइट था वो भी हम बताएंगे, उससे पूरा अच्छे से मेजर किया गया है। इस बार कुछ भी छूटा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें छूट जाती थी, लेकिन इस बार सैटेलाइट से अच्छे से मैपिंग करके वनों का क्षेत्रफल निकाला गया है, ठीक है। हाँ, इसमें एक मुख्य बात ये रही कि भारत दुनिया के शीर्ष 10 देशों में आ गया है, यानी जहाँ पर वृक्ष फैले हुए हैं उस मामले में भारत 10 देशों में है। अब प्रश्न ये उठता है कि हमसे पहले कौन कौन से देश आते हैं? तो सबसे पहले जहाँ पर सबसे अधिक वन पाए जाते हैं वो है रशिया, पहला आपको याद होना चाहिए। दूसरा ब्राज़ील, फिर आप कोई याद ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने देश का पता होना चाहिए, इंडिया 10th पे है, ठीक है।
10 के 10 आप याद रख सकते हो, तो 10 के 10 मैंने यहाँ पे नाम के साथ और कितना क्षेत्रफल इनका फैला हुआ है वो प्रोवाइड कर दिया है, लिख लीजिए, बार बार याद करिए, याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि इसमें एक सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है, जो इस बार 15वीं रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उसमें कौन सा सैटेलाइट का प्रयोग किया गया है? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्सेट 2। इसका उपयोग करके इस बार जो वन संशोधन रिपोर्ट है वो जारी की गई है। वैज्ञानिक पद्धति का भी इस बार अपनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था, उसने एक रिपोर्ट जारी की है हाल ही में कि भारत 10 देशों में उन 8वें स्थान पर पहुंच गया है जहां पर प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है वनों में। समझ आया ना आपको? देखिए, दोनों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। ये जो है ये है कि किन में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, किन देशों में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, जो जबकि जो यूनाइटेड नेशन खाद्य एवं कृषि संगठन ने जो बोला है वो ये बोला है कि हर साल अपने वनों को अधिक कौन बढ़ावा दे रहा है, यानी किस देश में अधिक वन उगाए जा रहे हैं, उनमें भारत 8वें नंबर पे है। ठीक है, 10वें नंबर पे किन में है? 10वें नंबर पे किस में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, उसमें तो 10वें नंबर पे भारत हो गया। लेकिन यदि बात की जाए कि बढ़ावा कौन दे रहा है, तो 8वें नंबर पे आएगा भारत। बस इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आगे हम आते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यदि बात की जाए, यदि भारत की हम मान लें 100% भारत का क्षेत्रफल है, तो भारत 100% क्षेत्रफल में से लगभग 24.39% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। यह डाटा तो आपको बिल्कुल याद रखना है, 24.39%। ठीक है, ये 33% आंकड़े से कम है, यानी किसी भी देश के लिए, जैसा कि ऊपर बताया था मैंने, किसी भी देश के लिए 33% क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार जरूरी होना चाहिए। नहीं तो यदि 33% पे नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। यदि हम केवल वनों के हिस्से की बात करें तो लगभग 7,08,273 वर्ग किलोमीटर, यानी 21.54% वनों का हिस्सा है भौगोलिक क्षेत्रफल में। और आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि पूछे, वनों से आच्छादित क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग 6,778 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल से इस बार 6,778 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है आच्छादित क्षेत्रफल में वनों के। ठीक है, वृक्षों के हुए 1,243 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। वनावरण और वृक्षारोपण क्षेत्रफल में कुल कितनी वृद्धि हुई है? 8,021, यानी लगभग 1% की वृद्धि हुई है। ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं, नहीं तो भूल जाएंगे आप फिर से। और ये रिपोर्ट आप जब तक 2019 यानी 2020 नहीं आ जाता तब तक ये काम आएगी, 2020 में आएगी अब तो अगली रिपोर्ट, 16वीं रिपोर्ट। तो अभी काफ़ी समय है, लगभग 1.5 साल है। इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जितने भी एग्जाम आएंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उन सभी में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पर्यावरण आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे यूपीएससी में भी 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अन्य एग्जाम, छोटे एग्जाम में भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण क्योंकि प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसे कारक सामने आ रहे हैं, टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है, इसीलिए आपको ये पूरा लिख लेना है। भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों तथा वृक्षारोपण का हिस्सा था 24.39%, ये तो यही है सेम। ठीक है, आगे देखिए, अब हम आते हैं राज्यवार। यदि हम राज्यों में बात करें प्रतिशत के हिसाब से, सबसे अधिक वनावरण वाले राज्य, तीन राज्य कौन कौन से हैं? तीन याद रखिए, इनाफे। तो सबसे प्रतिशत के हिसाब से है, यहाँ पे प्रतिशत के हिसाब से लक्षद्वीप जैसे छोटे राज्य इसलिए अधिक हो जाते हैं क्योंकि इनका जो भूमि है बहुत छोटी है और वहाँ पे वृक्ष अधिक है। वैसे यदि वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल से देखें तो मध्य प्रदेश है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रतिशत के संदर्भ में, तो लक्षद्वीप पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। कितने कितने प्रतिशत, मान लीजिए इनकी ज़मीन है 100%, 100% में से लक्षद्वीप के लगभग 90.33% पर तो वन ही फैले हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार मिजोरम में, उसी प्रकार अंडमान में। और यदि बात की जाए वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में, तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। इस साल जो रिपोर्ट आई है, 2017 की रिपोर्ट आई है फरवरी 2018 में, यदि इनमें सबसे अधिक वृद्धि वाले राज्यों की बात की जाए कि किन्होंने सबसे अधिक वृद्धि की है, वो की है आंध्र प्रदेश ने, फिर कर्नाटक, फिर केरल। ये भी आपको ध्यान रखना है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट जो इस बार रिपोर्ट आई है 2017 की, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि घने वनों का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है,
अब जो हमने शुरू में कहा था कि आपको बताया जाएगा वीडीएफ क्या होता है, देखिए वीडीएफ होता है बहुत घने जंगल, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है वेरी डेंस फॉरेस्ट यानी वीडीएफ। इनमें वनों का क्षेत्रफल की जो डेंसिटी होती है वो 70 से अधिक होती है। जब भी वनों के क्षेत्रफल में डेंसिटी यानी घनत्व 70 से अधिक होगा उसको बोलेंगे बहुत घने जंगल यानी वीडीएफ। उसी प्रकार मध्यम घने जंगल उसको बोलेंगे जिन वनों की डेंसिटी यानी घनत्व 40 से 70 के बीच में होगा। उसी प्रकार खुले वन उनको बोलेंगे जिनकी घनत्व 10 से 40 के बीच में होगा। इस रिपोर्ट में 2017 की रिपोर्ट में जो ये बहुत घने जंगल है इनमें बढ़ोतरी देखी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही हुई है कि इन घने जंगल में बढ़ोतरी देखी गई है। इससे दो फायदे हैं, जब भी वेरी डेंस फॉरेस्ट में वृद्धि देखी जाती है इससे दो फायदे हैं। एक तो इसके साथ छोटे छोटे जो ये मध्यम घने वाले जंगल हैं ये अपने आप ही उगते हैं, और ये भी जो खुले वन हैं इनमें भी बढ़ोतरी अपने आप ही होती है, क्योंकि जब घने जंगल बढ़ेंगे तो उसके साथ छोटे छोटे जंगल भी बढ़ेंगे। दूसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा में सोखते हैं। आपको पता है मनुष्य ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जो औद्योगिक क्षेत्र है में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब जो वे रिलीज करते हैं उसको सोखेगा कौन? उसको सोखने का कार्य वनस्पति करते हैं, वृक्ष करते हैं, और समुद्र में पाइप के जरिए भी नीचे उनको पहुंचाया जाता है। उन सभी में जो घने वन है ये काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, इसीलिए इनका बढ़ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं, अब इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो हमारे 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, कितने हैं टोटल? 36 है, 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। उन इन 36 में से 15 में जो 33% का आंकड़ा है वो प्राप्त कर लिया है। 33% का जो आंकड़ा है, जो सभी के सभी को टारगेट प्राप्त करना है, इन 15 राज्यों ने प्राप्त कर लिया है। कौन कौन से राज्य हैं अभी बताएंगे। अब यदि बात की जाए कि 2015 में कितने राज्य थे, तो ये जो अभी है 2017 में सेम टू सेम है। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 2017 की रिपोर्ट में जो 33% का आंकड़ा है वो उसमें कोई भी नया राज्य ऐड नहीं हुआ है, ये आराम से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे, इनमें से जो 15 राज्य है इनमें से 7 राज्य और संघ शासित प्रदेश। देखिए 21 में तो 33% का आंकड़ा फुलफिल ही नहीं किया गया है, लेकिन 15 ने किया है 33% का आंकड़ा। उन 15 में से भी 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों जिनके नाम है लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, इनमें जो वनों का क्षेत्रफल है वो 75% से अधिक है। समझ आया ना आपको, इन 7ों में तो, और बचे 8, इन 15 में से 7 में कितना है, 75% से अधिक वन फैले हुए हैं, और बचे 8 में 33 से 75% के बीच में वनों से भूभाग घिरा हुआ है। उनमें 8 कौन कौन से, त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम, केरल, उत्तराखंड, दादर एवं नगर हवेली, छत्तीसगढ़ और आसाम। टोटल यदि 8 मिला देंगे और प्लस ये वाले 7 मिला देंगे, 15 हो गए। वही हम बोले थे कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग वनों से घिरा हुआ है, अभी 21 राज्य बचे हैं। इन 15 से अलग जो भी 21 राज्य हैं उनमें जो क्षेत्रफल है 33% के आंकड़े से, टारगेट से कम है, उनको वो अचीव करना है, जिस पे मैं कार्य भी कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस रिपोर्ट में एक मुख्य बात ये भी हुई है, जो मैंग्रोव वनस्पति है उनमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। उनमें कितने किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 4921 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, जो 2015 के अकॉर्डिंग लगभग 181 वर्ग किलोमीटर अधिक है। यदि इसमें से आप घटा दोगे 181, तो 2015 में उतना था ये, ठीक है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी देखी गई है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। मैग्रव वनस्पति अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण वनस्पति है, जो कि जैव विविधता के लिए भी और अन्य जो समुद्र में तूफान वगैरह आते हैं उनको कम करने का प्रयास भी मैग्रव वनस्पति करती है, इसीलिए इसका जो बढ़ना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। मेघरा वनस्पति लगभग 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। कौन कौन से, यहाँ पे देख सकते हो आप, गुजरात है, फिर यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश है दमन एंड दीव, उसके बाद दादरा एवं नगर हवेली, फिर हमारा महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, फिर हमारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे टॉप 10 मेघरा वनस्पति की लिस्ट भी दी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है,
किस प्रकार के दिखते हैं? इस प्रकार के दिखते हैं। राइट साइड में देखिए, और यदि इनको और जूम करें तो इस प्रकार के मैक्रो वनस्पति होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली बार सरकार ने जो वन क्षेत्र से बाहर उगाई जाने वाली बांस, उसको भी एक अधिनियम के द्वारा वृक्षों की श्रेणी से हटा लिया है। देखिए, इसको समझने की ज़रूरत है कैसे। मान लीजिए यह है जंगल, और यहाँ पर रहते हैं हम लोग रहते हैं, यानी इंसान रहते हैं। जंगल में यदि बांस उग रहा है तो वो अभी भी वृक्ष की श्रेणी में ही है, इस बात को ध्यान से सुनना है। लेकिन पहले क्या था, जो अभी ये संसद में एक विधेयक लाया गया है सरकार के द्वारा, इस विधेयक से पहले क्या प्रोसेस था, बांस की पैदावार यहाँ पे हो या यहाँ पे हो खेती, ठीक है, दोनों को वृक्ष माना जाता था। दोनों को काटने के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, यहाँ पे उगाई हो, यहाँ पे पैदावार हो बांस की, या यहाँ पर हो जंगल में हो या मैदानी क्षेत्र में हो जहाँ पे लोग रहते हैं। लेकिन अब ये विधेयक पारित कर दिया गया है। इस विधेयक में क्या है, जो जंगल में बांस था वो तो वृक्ष की श्रेणी में ही रहेगा, यानी उसको काटने के लिए सरकार की इजाज़त की ज़रूरत होगी। लेकिन जहाँ पे मनुष्य रहते हैं, जो वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल नहीं आता, उसमें बांस उगा के उसको मनुष्य द्वारा बिना सरकार की परमिशन के काटा जा सकता है। दोनों में डिफरेंस समझिए। यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि बांस को वन क्षेत्र से अब वृक्ष की श्रेणी से हटा लिया गया है, तो गलत हो जाएगा। वन क्षेत्र में तो अभी भी बांस वृक्ष की कैटेगरी में ही आएगा, लेकिन यदि वन से बाहर, जहाँ घने घने प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, उससे बाहर जहाँ पर मनुष्य रहता है, वहाँ पे बांस उगा सकता है, बिना सरकार की इजाज़त के काट सकता है, और अपने आजीविका के लिए, अपना इनकम बढ़ाने के लिए उसको बेच सकता है। बांस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कार्बन सिंक, कार्बन सिंक क्या होता है, कार्बन सिंक भी सेम ही है जिस प्रकार हमने ऊपर डिस्कस किया। हम लोग कार्बन छोड़ते हैं, हम उद्योग चलाते हैं, वे भी कार्बन छोड़ते हैं, जबकि वृक्षों द्वारा कार्बन का एब्जॉर्ब किया जाता है, ग्रहण की जाती है। उसी प्रकार समुद्र में पाइप के द्वारा भी कार्बन को नीचे डिपॉजिट कर दिया जाता है। जो ये बांस होते हैं, ये भी कार्बन सिंक में बहुत अधिक भूमिका निभाते हैं, कार्बन सिंक को, यानी कार्बन को ग्रहण करने में। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब विधेयक पारित किया गया, केवल मैदानी क्षेत्रों में, यानी वन से बाहर वाले क्षेत्रों में ही बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटाया गया है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। पहली बार इस रिपोर्ट में जो वनों में स्थित जल स्रोत है, 2005 से 2015 की अवधि के आधार पर आकलन किया गया है। इनमें लगभग इतने किलोमीटर की वृद्धि हुई है, 2647, और बात की जाए तीन मुख्य राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जल स्रोतों में है। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातें उनको भी जान लीजिए। यदि बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है छोटे एग्जाम में भी, बड़े एग्जाम में भी। आगे देखिए, अब इसी के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। कब से मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है 2012 के प्रस्ताव के बाद, 2013 से लगातार मनाया जा रहा है। ठीक है, प्रस्ताव कौन लाया था, यूएन महासभा, यूनाइटेड नेशन महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। प्रत्येक 21 मार्च को यह दिवस मनाने की इन्होंने घोषणा की थी, 21 दिसंबर 2012 को, और 2013 से लगातार मनाया जा रहा है। इस साल लेटेस्ट कौन सा मनाया गया है, वर्ष 2018 में मनाया गया है, जो जिसकी थीम थी जंगल और टिकाऊ शहर। 21 मार्च को मनाया गया था। अभी उद्देश्य तो इसका सिंपल है, जागरूकता बढ़ाना, आदि कार्य करना। अब हम अपने थोड़े से अपने भारतीय वन संरक्षण के बारे में भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1981। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून में है। क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके चार, शिमला में है, कोलकाता, नागपुर और बेंगलुरु। कार्य इसके देश के वन क्षेत्रों और वन संसाधनों से संबंधित सूचना और आंकड़े को इकट्ठा करना है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आता है। पहली रिपोर्ट कब पारित की गई थी, 1987 में। लेटेस्ट रिपोर्ट कौन सी पारित की गई है, 2017 की गई है, फरवरी 2018 में, जो कि 15वीं रिपोर्ट थी। इसके बारे में इतना ही जानना था। एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत में पहला वन सम्मेलन कब आयोजित किया गया, नवम्बर 2011 में पहला वन सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी थीम क्या थी, बदलती दुनिया में वन। इसको इसलिए भी आयोजित किया गया था क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वृक्ष घोषित किया था। जैसे 2016 को क्या घोषित किया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया गया है 2016 को, उसी प्रकार 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दो चीज़ों की, जिसमें कुछ लोगों द्वारा पूछा जा रहा है कि जो हम
पढ़ाते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं, उसको मेंस में लिखा जा सकता है कि नहीं? देखिए, जो भी हम ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, ये सब कहाँ से आई है? बुक के थ्रू आई है, और वेबसाइट बनी हुई है गवर्नमेंट की, उससे हम लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो आराम से आप कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, यूपीएससी का पेपर हो, पीसीएस का हो, कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, खासकर आप क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेट करके आते हैं, इसीलिए इसमें आप निश्चित हो जाइए कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हो। दूसरा, करंट अफेयर्स की बात। देखिए, करंट अफेयर्स में इसलिए नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो अभी व्यू आते हैं बहुत कम आते हैं। यदि आप जो वीडियो है इनको शेयर करें और लगभग 2000 से 3000 व्यू आ जाते हैं एक दिन में, तो मैं करंट अफेयर्स शुरू कर सकता हूँ। आप लोग कमेंट करके बोलते हैं करंट अफेयर्स, इसलिए मैं नहीं शुरू करता, व्यू बहुत कम आते हैं। व्यू बढ़ जाएंगे धीरे धीरे, मैं करंट अफेयर्स अपने आप शुरू कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना यूपीएससी का एग्ज़ाम और पीसीएस का एग्ज़ाम निकालना मुश्किल, बहुत मुश्किल है। विदाउट करंट अफेयर्स निकल ही नहीं सकता। मुझे पता है करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन जब भी शुरू करूँगा, जब थोड़े व्यू बढ़ जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, फिर मैं अपने आप से शुरू कर दूंगा। हाँ, तीसरी बात ये होती है कि वीडियो वीडियो आपको ठीक लगती है कि नहीं लगती है, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है ना। शेयर वीडियो आप तभी करेंगे तब वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छी लगती है तभी शेयर कीजिए, यदि वीडियो अच्छी नहीं लगती, कुछ कमी लगती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रकार से वीडियो में सुधार किया जाए, उसी प्रकार से सुधार कर लिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, शेयर करेंगे व्यू आएंगे तो मैं करंट अफेयर्स भी शुरू कर दूंगा, और अन्य जो भी आप बोलेंगे वो सब शुरू कर दिया जाएगा। तो बस इतना कहना था। थैंक यू वेरी मच।